नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शहीदों के मज़ारों पर भरेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही अंतिम निशा होगा। हम सब जानते हैं कि भगत सिंह पूरे देश भर के चहेते हैं। उन्होंने जिस तरह से आज़ादी के लिए अपनी जान की को निछावर कर दिया था, वो सबके दिलों में बसते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक मेला सा लगा हुआ है। मेरे पीछे भगत सिंह का घर है, जहाँ पर आज देश भर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लगातार आते रहते हैं। लेकिन आज दूसरे तरह के भी मेले चल रहे हैं, और वो मेले राजनीतिज्ञों के भी मेले हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पंजाब के नव निर्वाचित और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी थे, और भी दूसरे नेता दूसरी पार्टियों के आ रहे होंगे। और जाहिर है कि भगत सिंह अब राजनीति के लिए एक इस्तेमाल की चीज़ भी हो गए हैं। भगत सिंह क्या सोचते थे, भगत सिंह किस तरह का हिंदुस्तान चाहते थे, किस तरह का समाज देखते थे, किस तरह की आर्थिक संरचना उनके दिमाग में थी, वो तमाम चीज़ें चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि भगत सिंह की फोटो तमाम जगह लगाई जाएंगी। भगत सिंह के गुणगान सिर्फ इसलिए किए जाएंगे क्योंकि उनके नाम पर वोट मिल सकते हैं। भगत सिंह के विचारों को, भगत सिंह की का जो सोच है, उसको ज़मीन पर उतारने की बात कोई नेता नहीं कर रहा है। इस समय जबकि पूरे हिंदुस्तान में एक चैलेंज है, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको, और जो विभिन्न समुदायों के बीच नफरत का ज्वार उठ रहा है, पैदा किया जा रहा है, उसको रोकने की, और उसमें भगत सिंह की एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, उस भूमिका को याद नहीं करवाया जा रहा है, याद नहीं किया जा रहा है। हम जानते हैं कि वो राजनीतिक दल भी जिनका भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं है, भगत सिंह के विचारों से कोई लेना देना नहीं है, वो भी भगत सिंह के आज तस्वीर लगाते हैं, उनके शहादत दिवस पर उनको याद आते हैं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है कि भगत सिंह को का आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, उनको क्यों याद किया जा रहा है, क्यों याद किया जाना चाहिए और किस रूप में किया जाना चाहिए, और अगर दिल में सच्ची भावना है भगत सिंह के प्रति, उनकी शहादत के प्रति, तो हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये देखने की बात है। यहाँ बहुत सारे जो इस कहना चाहिए एक तीर्थ स्थल है, अगर हम इस तरह से देखें कि पूरी हिंदुस्तान की जो आज़ादी की जंग थी, उसमें भगत सिंह जिस तरह से एक बड़े फिगर के रूप में खड़े हुए, एक प्रेरणा के स्रोत बन गए तमाम क्रांतिकारियों के लिए, वो उनका ये केंद्र है और उनको याद करने के लिए लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसको देखने आते हैं। मुझे लगता है कि प्रेरणा भी लेते होंगे, लेकिन एक जो मोटा काम है जो ज़मीन पर रहकर किया जाना चाहिए, और जो राजनीतिक दल आज भगत सिंह के नाम को जप रहे हैं, उनके लिए एक चुनौती भी है, और उनकी निष्ठा या भगत सिंह के प्रति उनके प्रेम का की एक परीक्षा भी है कि वो उनको किस तरह से समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे प्रतीकात्मक रूप में बुना रहे हैं, इसे केवल राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, या सचमुच में वो भगत सिंह के विचारों के दम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को शेप देना चाहते हैं, और सचमुच में उनके विचारों को निचले स्तर तक ले जाकर उसे फलने फूलने की राह दिखा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे जूझ रहा है पूरा राजनीतिक वर्ग। हम देख रहे हैं कि एक एक करके ऐसे नेताओं को, जैसे अभी कुछ समय पहले अंबेडकर के इस्तेमाल का सिलसिला शुरू हुआ था, और वो पार्टियां जो कि आरक्षण को के खिलाफ हैं, आरक्षण को नापसंद करती हैं, जिन आरक्षित समुदाय जो जातियां हैं उनके प्रति उनके अंदर नफरत भरी हुई है, वो भी अंबेडकर का नाम जप रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंबेडकर को मानने वाले बड़ी तादाद में हैं और उनको उनके वोट चाहिए तो अंबेडकर का गान गाना होगा। इसी तरह से अब भगत सिंह का नाम भी इस्तेमाल हो रहा है भारतीय राजनीति के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यजनक है, लेकिन ये होता हुआ देख रहे हैं। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है। हम जो लोग सोच समझ सकते हैं, जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा है, भगत सिंह को करीब से जानते हैं, उनकी कुर्बानियों को पहचानते हैं कि किन उसूलों पर, किन विचारों के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि उनको कैसे आम आवाम तक ले जाए। भगत सिंह जो असली भगत सिंह है, नारों वाले भगत सिंह नहीं,
तस्वीरों वाले भगत सिंह नहीं, भगत सिंह को लेकर जो तरह तरह की तस्वीरें बनाई जाती वो भगत सिंह नहीं, जिसमें कहीं वो हैट पहने हुए हैं, कहीं पगड़ी पहने हुए हैं और अब पगड़ियों का रंग भी बदला जाने लगा है, ये भी गौर करने वाली बात है। उनसे परे जो भगत सिंह के विचार थे, भगत सिंह का सोच था, उसको कैसे आम आवाम तक ले जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समाज की। और उन्हीं वही जो मूल्य हैं, वही जो विचार हैं, दरअसल आज की जो चुनौतियां हैं उनका जवाब भी है। आज जिन चुनौतियों से हिंदुस्तान जूझ रहा है उनसे निपटने का रास्ता भी भगत सिंह के पास ही है, ये हमारे राजनीतिक दल भी जानते हैं लेकिन घबराते भी हैं, क्योंकि भगत सिंह के विचार इतने क्रांतिकारी थे कि उनको अपनाने और उनको आजमाने में उनका जो आर्थिक ढांचा है वो ढह सकता है, क्योंकि वो निश्चित रूप से उन उद्योगपतियों के खिलाफ है जो देश की सारी संपत्ति को अपनी जेबों में भर रहे हैं और हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारे जो शासक वर्ग है उनकी उसमें मदद कर रहे हैं। जबकि भगत सिंह चाहते थे कि ये न्यायपूर्ण बंटवारा हो जो भी उत्पादन है देश का, तो ये एक बड़ा विरोधाभास है, विडम्बना है। हम देखते हैं हमारे राजनीतिक दलों में कि पूजना एक कर्मकांड बन गया है। 23 मार्च को भगत सिंह को याद करना, उन पर पुष्प अर्पित करना, उनके बारे में बातें करना बड़ी बड़ी और दिखावा करना एक कर्मकांड बन चुका है, लेकिन असल में कितने राजनेता हैं जो भगत सिंह के विचारों के हामी हैं और उसको अपनी राजनीति में और समाज में उतारने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये परीक्षा इन सभी राजनीतिक दलों की है, एक पाखंड है जिसका पर्दाफाश होता रहा है, आम आवाम उसको किस तरह से देखे, किस तरह से उसे समझे और भगत सिंह की कौन सी चीजें वो उठाकर अपना सकती है और अपने नेताओं को भी इसका एहसास करा सकती है, इस पर गौर करना चाहिए। खड़कड़ कला गांव से मैं डॉक्टर मुकेश कुमार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।